हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे असम स्पेशल टेट 2023 के लिए आज का क्लास से हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट लो एंड पेयलॉजी का क्लास शुरू करेंगे ये क्लास आप सभी को लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी टेट दोनों में हेल्प करेगा और इस क्लास के अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे और प्रीवियस प्रीवियसर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे वीडियो का लास्ट के अंदर तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ए रहा सिलेबस लोअर प्राइमरी का उसी प्रकार अपर प्राइमरी का सिलेबस ए रहा दोनों का सिलेबस लगभग सेम है तो आज का क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रोथ के बारे में इसका कैरेक्टर के बारे में डेवलपमेंट क्या है इसके बारे में जानेंगे एक नया कॉन्सेप्ट मेचुरेशन और लर्निंग इसके बारे में जानेंगे डेवलपमेंट का क्या करेक्टर है वो जानेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है, हो जानेंगे स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या क्या होता है और वीडियो क्लास में प्रीवियस प्रिवियस क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले जानेंगे ग्रोथ के बारे में ग्रोथ जो है फिजिकल चेंज को कहा जाता है जैसे कि हाइट में चेंज होना साइज में चेंज होना वेट में चेंज होना ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन फिजिकल साइज फिजिकल साइज़ में इंक्रीज होना को ग्रोथ कहा जाता है ग्रोथ जो है क्वान्टिटेटिव चेंज है याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोथ दाज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ स्पन ग्रोथ जो है पूरा लाइफ नहीं चलता है जैसे ही मेचोरिटी एक आदमी अटेन कर लेता है ग्रोथ जो है ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ग्रोथ का ग्रोथ जो है इंटेंसिक मतलब आंत्रि चेंज है इंटेंसिक चेंज मतलब आंतरिक चेंज चेंजेस इन द ह्यूमन बॉडी जो कि आदमी का शरीर के अंदर चेंज होता है उसको कहा जाता है इंटेंसिक चेंज और ग्रोथ का सबसे पहला करैक्टर है ग्रोथ जो है एक्सटेंसिक चेंज भी है ग्रोथ वर्ड इज़ यूज प्योरली इन फिजिकल सेंस इसको हम लोग फिजिकल सेंस में यूज़ करते हैं जैसे कि स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं यानी क्वान्टिटेटिव चेंज को कहा जाता है फिजिकल सेंस ग्रोथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं एज जो है एज रिस्ट्रिक्टेड है यानी कुछ समय के बाद एज जो है स्टॉप हो जाता है ग्रोथ जो है मल्टीपल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है जैसे कि हेल्थ एजुकेशन हार्मोन्स एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या है ग्रोथ जो है पार्ट है किसका डेवलपमेंट का ग्रोथ किसका पार्ट है डेवलपमेंट का ग्रोथ जो है कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है ये भी आप सभी को याद रखना है कभी कभी एक मार्ग का क्वेश्चन पूछ लेता है इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट के बारे में डेवलपमेंट क्या है डेवलपमेंट एक प्रोसेस ऑफ चेंज है या फिर हम लोग बोल सकते हैं आउटकम ऑफ लर्निंग यानी लर्निंग का आउटकम को हम लोग क्या बोलते हैं डेवलपमेंट डेवलपमेंट होने के लिए दो चीज चाहिए मैचुरेशन और लर्निंग मैचूरेशन और लर्निंग मिलकर ही क्या होता है डेवलपमेंट होता है मैचुरेशन जो है फिजिकल चेंज को कहा जाता है जैसे कि हाइट में चेंज होना वेट में चेंज होना और मैचुरेशन जो है ग्रोथ का पार्ट है और ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव चेंज है लर्निंग बिहेवियरल चेंज को कहा जाता है जैसे कि सोशल चेंज मोटर चेंज लैंग्वेज डेवलपमेंट कॉन्टिव डेवलपमेंट डेवलपमेंट और ये सभी जो है क्वालिटेटिव चेंज होता है इसके बाद आइए फाइनली जानते हैं क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव चेंज को डेवलपमेंट कहा जाता है या फिर हम लोग बोल सकते हैं मैचुरेशन और लर्निंग मिलने से क्या होता है डेवलपमेंट होता है डेवलपमेंट जो है जॉइंट आउटकम है दोनों मिलकर मैचूरेशन और लर्निंग मिलकर ही डेवलपमेंट होता है इसके बाद नेक्स्ट हम लोग मैचूरेशन और लर्निंग के बीच में डिफरेंस जानेंगे अंतर जानेंगे मैचोरेशन क्लोजली रिलेटेड होता है फिजिकल डेवलपमेंट के साथ लर्निंग क्लोजली रिलेटेड होता है बिहेवियल चेंज के साथ मैचोशन ऑटोमेटिक प्रोसेस है लेकिन लर्निंग के लिए डिलीवरेट प्रोसेस डिलीवरेट एफोर्ड करना पड़ता है बायोलॉजिकल मैचुरेशन जो है लर्निंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता है लर्निंग जो है सर्टेन लेवल तक मैचोरेटी के ऊपर डिपेंड करता है दोनों कॉन्सेप्ट डिफरेंट है लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है दे आर इंटर रिलेटेड दोनों इंटर रिलेटेड है और जॉइंटली जो है uh, मिल के डेवलपमेंट पॉसिबल uh, होता है मेचुरेशन जो है एज बॉन्ड होता है लेकिन लर्निंग जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है पूरा लाइफ लर्निंग चलते रहता है इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करैक्ट्रिस्टिक जानेंगे डेवलपमेंट का डेवलपमेंट बहुत ही वाइडर और कॉम्प्रेंसिव टर्म है डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है पूरा लाइफ डेवलपमेंट होते रहता है डेवलपमेंट क्वालिटेटिव चेंज और क्वान्टिटेटिव चेंज को कहा जाता है बॉडी के अंदर चेंज और बिहेवियर के अंदर चेंज को यानी ओवरऑल चेंज को डेवलपमेंट कहा जाता है डेवलपमेंट प्रोडक्ट है हेरिटी और इन्वामेंट दोनों का डेवलपमेंट एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है ग्रोथ और डेवलपमेंट टर्म कभी कभी इंटरचेंजेबली हम लोग यूज़ कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करते हैं ये फॉलोइंग स्टेटमेंट को सॉल्व करके ग्रोथ इज इक्वल टू डेवलपमेंट गलत है ग्रोथ और डेवलपमेंट इक्वल नहीं होता है ग्रोथ इज सेपरेटेड फ्रॉम डेवलपमेंट ये भी ऑप्शन क्या है गलत है ग्रोथ और डेवलपमेंट सेपरेट नहीं है एक दूसरे से जुड़ा होता है ग्रोथ इज डिफाइंड फ्रॉम डेवलपमेंट ये बिल्कुल सही है ग्रोथ कैन बी मेजर बट डेवलपमेंट नॉट ग्रोथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं लेकिन डेवलपमेंट को नहीं ये भी ऑप्शन क्या है गलत है डेवलपमेंट को हद तक हम लोग मेजर कर सकते हैं ग्रोथ कैन बी मेजर अप टू एक्सटेंड ऑफ डेवलपमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ग्रोथ जो है जहाँ तक डेवलपमेंट है वहाँ तक हम लोग मेजर कर सकते हैं तो यह सही स्टेटमेंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इंटर डिपेंडेंट ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है इंटर डिपेंडेंट है बट डिफरेंट नहीं है ये भी ऑप्शन बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है सही है इसके बाद नेक्स्ट हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस जानेंगे ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का पार्ट है डेवलपमेंट एक कॉम्प्रहेंसिव और वाइडर टर्म है फिजिकल सोशल इमोशनल चेंज इसके अंदर आता है ग्रोथ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं डेवलपमेंट एक कॉन्टिनुअस प्रोसेस है इसको पूरी तरह से मेजर नहीं किया जा सकता है चेंज इन ए पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ बॉडी को ग्रोथ कहा जाता है ओवरऑल चेंज को डेवलपमेंट कहा जाता है ग्रोथ जो है क्वान्टिटेटिव चेंज को कहा जाता है क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव चेंज को डेवलपमेंट कहा जाता है ग्रोथ में नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट लेकिन डेवलपमेंट पॉसिबल विदाउट ग्रोथ ग्रोथ रिजल्ट ऑफ मेचुरेशन ग्रोथ जो है मैचुरेशन का रिजल्ट से होता है लर्निंग और मैचोरेशन दोनों का रिजल्ट से क्या होता है डेवलपमेंट होता है ग्रोथ जो है एज बेस और एज रिस्ट्रिक्टेड होता है लेकिन डेवलपमेंट डिपेंड करता है मेचुरेशन अप टू एन एक्सटेंड बट नॉट एज रिस्ट्रिक्टेड डेवलपमेंट जो है एज रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है पूरा लाइफ डेवलपमेंट होते रहता है इसके बाद नेक्स्ट हम लोग स्टेज ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखना है सबसे पहला स्टेज का नाम है प्री नीटेल ए जो है कॉन्सेप्शन से बार तक टाइम पीरियड को कहा जाता है इसके अंदर तीन स्टेज आता है जर्मिनल एम्ब्रोनिक फ्यूटल नेक्स्ट स्टेज उसका नाम है इन्फेंसी बर्थ से दो ईयर तक होता है नेक्स्ट स्टेज है चाइल्डहुड इसके अंदर दो टाइम पीरियड आता है अर्ली चाइल्डहुड थ्री से सिक्स ईयर तक लेटर चाइल्डहुड हुड सेवन से ट्वेल ईयरस तक नेक्स्ट है एडोलेसन ये आता है थर्टीन से नाइन्टीन ईयर्स तक नेक्स्ट है एडल्टुड ये होता है ट्वेंटी से सिक्सटी ईयर तक और लास्ट स्टेज ओल्ड एज जिसको एजिंग कहा जाता है सिक्सटी वन ईयर्स और या फिर उससे अबव एज को कहा जाता है अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से इसका डिवीज़न अलग है जैसे रोसी के हिसाब से बर्थ से फाइव ईयर तक इन्फेंसी कहा जाता है फ़ाइव से ट्वेल्व चाइल्ड हुड से फिफ्टीन अर्ली एडोलेसन और फिफ्टीन से ट्वेंटी लेटर एडोलेसन कहा जाता है अर्नेस जोन के हिसाब से बर्थ से फाइव ईयर तक इन्फेंसी अप टू टूल्व ईयर्स लेटर चाइल्ड हुड आप टू एटीन ईयर्स एडोलेशन एबोव एटीन ईयर्स मेच्योटी ये याद रखना है इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है आसम टेट के अंदर इसके बाद नेक्स्ट है रेबांस रिवीजन रे इनका हिसाब से स्टेजेस क्या क्या है सबसे पहला स्टेज का नाम है इन्फेंसी जीरो से टू एंड हाफ ईयर्स या फिर थ्री इयर्स तक होता है अर्ली चाइल्डहुड थ्री टू सिक्स या फिर सेवन ईयर तक पीरियड ऑफ मेंटल ग्रोथ इसको कहा गया है ट्रांजिशन पीरियड सिक्स से सेवन या फिर सेवन से एट तक पीरियड ऑफ फिजिकल ग्रोथ इसके अंदर होता है लेटर चाइल्डहुड एट टू ट्वेल्व ईयर्स पीरियड ऑफ मेंटल ग्रोथ इसमें होता है अर्ली एडोलेसन टवेल्व टू फोर्टीन पीरियड ऑफ फिजिकल ग्रोथ इसमें होता है लेटर रिलेशन फोर्टीन टू एटीन ईयर्स इसके अंदर मेंटल ग्रोथ होता है तो ये सब रहा पूरा टॉपिक जो हम लोग को डिस्कस करना था इसके बाद इसके ऊपर प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है असम टेट में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज करेक्ट इसमें आप सभी के पास चार ऑप्शन दिया है इनमें बताना है ग्रोथ और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट के ऊपर कौन सा स्टेटमेंट सही है ग्रोथ रिफर्स टू ओनली बायोलॉजिकल एंड फिजिकल चेंज ग्रोथ जो है सिर्फ बायोलॉजिकल और फिजिकल चेंज को कहा जाता है ये ऑप्शन सही हो सकता है बट डेवलपमेंट रिफर्स टू मेंटल सोशल एंड इमोशनल चेंज बिल्कुल सही ग्रोथ जो है बायोलॉजिकल या फिर फिजिकल चेंज को कहा जाता है लेकिन डेवलपमेंट के अंदर सब कुछ आ जाता है मेंटल सोशल इमोशनल तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है ग्रोथ इज़ स्टेटिक बट डेवलपमेंट इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस ग्रोथ जो है स्टेटिक होता है लेकिन डेवलपमेंट क्या है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है ग्रोथ जो है कुछ समय के बाद रुक जाता है जैसे मेच्योरिटी अटेन हो जाता है लेकिन डेवलपमेंट चलते रहता है तो ऑप्शन बी भी सही है ग्रोथ के नॉट बी टेकन प्लेस विदाउट डेवलपमेंट ये ऑप्शन गलत है ग्रोथ जो है डेवलपमेंट के बिना भी हो सकता है तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर टेकन प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ये ऑप्शन क्या है गलत है पूरा थ्रू आउट द लाइफ नहीं चलता है ग्रोथ जो है स्टॉप हो जाता है इसीलिए ऑप्शन सी और डी गलत है इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए और बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एनेबल्स ए टीचर टू यदि टीचर को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पता है उसे क्या फ़ायदा होगा डाइवर्स लर्नर को अच्छी तरह से टीचर टीच कर सकता है इसीलिए ऑप्शन बी में इस प्रकार का ऑप्शन दिया है बी क्लियर अबाउट टीचिंग डाइवर्स लर्नर तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन है हुच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल अंडर लेटर चाइल्डहुड लेटर चाइल्डहुड के अंदर कौन सा एज ग्रुप फॉल होगा सिक्स से ट्वेल्व ईयर्स तक तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चेंज को कहा जाता है डेवलपमेंट इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिविजुअल अटेंशन इज इम्पॉर्टेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज इंडिविजुअल अटेंशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्यों देना चाहिए इससे लर्नर बेटर होता है ग्रुप में सीखने के लिए ए ऑप्शन गलत है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रिस्क्राइब किया इसीलिए ए भी ऑप्शन गलत है इट ऑफर बेटर अपॉर्चुनिटी टू टीचर टू डिस्प्लिन डिसप्लिन सिखाना भी मेन अपॉर्चुनिटी मेन उद्देश्य इसका नहीं है चिल्ड्रेन डेवलप एट डिफरेंट स्टेज एंड लर्न डिफरेंटली ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के हिसाब से इंडिविजुअल अटेंशन इसलिए जरूरी है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट रेट से या फिर डिफरेंटली सीखता है तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली क्वान्टिटेटिव चेंज क्वान्टिटेटिव चेंज किसको कहा जाता है ग्रोथ को तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी को बताना है आर्न जॉन के हिसाब से एडुलेशन स्टेज में कौन सा एज ग्रुप आता है ट्वेल्व से एटीन ईयर्स जो है आर्न जॉन के हिसाब से एडुलेशन स्टेज के अंदर आ, आता है इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस किए थे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ये टेट दो हज़ार इक्कीस में आया था इसमें से आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है ट्रू नहीं है ग्रोथ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है ए ऑप्शन सही है ऑप्शन बी में दिया है डेवलपमेंट इज क्वान्टिटेटिव प्रोसेस डेवलपमेंट क्वान्टिटेटिव प्रोसेस नहीं होता है एक क्वालिटेटिव और क्वान्टिटिव प्रोसेस दोनों होता है ऑप्शन बी यहाँ गलत लग रहा है बाकी ऑप्शन देखते हैं एजुकेशन इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस ये भी ऑप्शन सही है ऑप्शन ए और सी सही है डी देखते हैं लर्निंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल चेंज ए भी ऑप्शन सही है तो यहाँ पे गलत ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी डेवलपमेंट सिर्फ क्वान्टिटेटिव चेंज या क्वान्टिटेटिव प्रोसेस को नहीं कहा जाता है क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेट प्रोसेस को डेवलपमेंट कहा जाता है इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी को ए स्टेटमेंट को लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है सबसे पहले कौन सा स्टेज आता है इन्फेंसी उसके बाद चाइल्डहुड उसके बाद प्यवर्टी उसके बाद एडुलेशन उसके बाद एडल्टुड इस प्रकार का ऑप्शन ऑप्शन नंबर टू में दिया है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हिच ऑफ द फोल्डिंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इंडिविजुअल का डेवलपमेंट के बारे में आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है इट इज यूनी डायमेंशनल इन नेचर ये ऑप्शन गलत है यूनी डायमेंशनल नहीं होता है डायमेंशनल होता है इट इज़ इन्फ्लुएंस ओनली बाय हेरिडिटी अभी ऑप्शन गलत है हेरिडिटी और इन्वयरमेंट दोनों से इन्फ्लुएंस होता है ऑप्शन टू भी गलत है ऑप्शन थ्री देर इज ए कल्चरल डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ए ऑप्शन सही हो सक हो सकता है ऑप्शन फोर देखते हैं डेवलपमेंट इज ओनली बेस्ड ऑन इन्वायरमेंटल फैक्टर यह भी ऑप्शन क्या है गलत है इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फोल्डिंग इज ट्रू फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है बोथ आर नेचुरल प्रोसेस ए ऑप्शन गलत है ग्रोथ इज ए नेचुरल वर्ल्ड डेवलपमेंट नीड्स एक्सटर्नल इंटरवेंशन ए ऑप्शन टू में जो दिया है सही है इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेचुरेशन क्या है हम लोग रिसर्च किए थे थे मेचुरेशन किया है एक डेवलपमेंट प्रोसेस है इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन तो ये सब था आज का वीडियो का क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जाम से लिया गया था वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू